सो हे हेलो एवरी वन, आई वेलकम टू आग जेनेसिस। सो टुडे द न्यू सीरीज इज प्रोमिनेंट बिल्डिंग। प्रोमिनेंट बिल्डिंग क्यों जरूरी है, नाटा में आती है, जेई में आती है, डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसको किस लेवल तक हमें पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम चेक करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो हमें पता चलेगा कि नाटा और जेई के अंदर अच्छे सारे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप आर्किटेक्चर एस्पिरेंट हैं तो ऑफकोर्स आर्किटेक्चर की डेफिनेशन ये बोलती है कि आर्किटेक्चर इज नथिंग, इट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ बिल्डिंग्स। तो हम बिल्डिंग के बारे में पता होना ही चाहिए, तभी तो हम आर्किटेक्चर की तैयारी कर रहे हैं। एंड इट विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न। जब तक हम कोई चीज़ को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं किस तरह का आर्किटेक्चर है, ऐसा क्यों आर्किटेक्चर होता है, तब तक हमें सीखने को कैसे मिलेगा। ठीक है, तो हमें बिल्डिंग के बारे में पता होना चाहिए। कई सारे एस्पिरेशंस होते हैं, कई सारे टेक्निक्स होती हैं, कई सारे तरीके होते हैं जो हम अपने डिजाइन में या फिर इन फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम चेक करें लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, तो ये नाटक क्वेश्चन पेपर आए थे। सो दे विल गिव यू द इमेजेस एंड दे विल आस्क यू टू मैच द फॉलोइंग। आपको बताना है कौन सी बिल्डिंग कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सो इट वाज आस्क्ड दैट द टोलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है। तो आपको चारों बिल्डिंग के बारे में पता होना चाहिए, और एटलीस्ट चारों के बारे में नहीं पता होगा तो ये पता होना चाहिए कि टोलेस्ट बिल्डिंग क्या है। ठीक है, तो आपको ऑफकोर्स ये वाली बिल्डिंग है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि लाइक दे कैन गिव यू द स्काई लाइन। स्काई लाइन का मतलब क्या होता है, हर एक सिटी या हर एक कंट्री की एक आइकॉनिक बिल्डिंग होती है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ दुबई तो इट्स बुर्ज खलीफा। आगरा की बात करेंगे तो ताजमहल है। बात यह है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आप चेक करेंगे तो लाइक द इमेज गिवन ब्लो इज एन ओशनेरियम डिजाइन बाय द आर्किटेक्ट फेलिस कैंडेला इन स्पेन। तो ये ओशनेरियम बनाया गया था एंड ओशनेरियम वॉज माई टॉपिक फॉर माई थीसिस। मैंने जो थीसिस किया था तो उसमें ऑप्शनरी में टॉपिक था थीसिस का। सो दिस स्ट्रक्चर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना था कि जो ये स्ट्रक्चर है ये बिल्डिंग के बारे में के साथ साथ पता होना चाहिए बिल्डिंग की टेक्निक क्या है, बिल्डिंग मटेरियल क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कैसा हुई है। सेम क्वेश्चन ऐसा भी है, द मिलेनियम डोम जो है इट इज अ लार्जेस्ट, ये कैसा डोम है, डोम शेप ट्रस स्ट्रक्चर है, सस्पेंशन स्ट्रक्चर है, कॉन्क्रीट है या फिर टेंसल स्ट्रक्चर है। सो कहने का मतलब ये है कि अब आपको बिल्डिंग के नाम या फिर कहाँ पर लोकेटेड है उससे काम नहीं चलेगा। वी मस्ट गो इन डिटेल, एटलीस्ट थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिटेल, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी या फिर बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, तो हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो जेई में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। दे विल गिव यू दी फोटोग्राफ्स एंड दी मैचिंग पेयर्स। आपको बस मैच करना होता है कि ये जो टेम्पल है, सिटी है, मॉस्क है, वॉट एवर इट इज, ये कौन से कहाँ पर लोकेटेड है। कभी कभी ऐसा हो सकता है दे विल गिव यू द आर्किटेक्ट्स नेम। मान लो यहाँ पर मैंने बिल्डिंग दे दी चार और यहाँ पर मैंने आर्किटेक्ट के नाम दे दिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे ये फिर हॉल ऑफ नेशन कौन सा है, फॉलिंग वाटर कहाँ पर है, या पेटनास टावर या फिर सेक्टर रेट। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर ये लास्ट ईयर के हैं, सो इट इज़ द लेटेस्ट वन। ठीक है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिल्डिंग के नाम और आपको बता दिया कि कहाँ पर लोकेटेड है, लाइक ठीक है आपको लोकेशन और आपको बिल्डिंग का नाम दे दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि हर एक सिटी का कुछ लोकल आर्किटेक्चर होता है। फॉर एग्जांपल राजस्थान में झरोका चलते हैं, सो दे आस्क दिस क्वेश्चन कि झरोका इज अ टाइप ऑफ द विंडोज मोस्टली फाउंड इन, कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि झरोका आपको राजस्थान में मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा राजस्थान में। सो करेक्ट ऑप्शन इज राजस्थान। सेम चीज़ बिल्डिंग के नाम दे दिए जाएंगे, आपको लोकेशन बतानी होगी। सेम चीज़ आपको ये पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग रिप्रेजेंट द कॉलोनियल आर्किटेक्चर। तो अब बिल्डिंग की लोकेशन के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि स्टाइल क्या है, कि बिल्डिंग किस स्टाइल में बनाई गई है, या उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स पता होने चाहिए। साथ साथ ये भी है कि विक्टोरिया टावर जो है कौन से फोर्ट से रिलेट करता है, और IIM के जो आर्किटेक्ट कौन है ये आपको बताना था। सो इट कम्स लास्ट ईयर। सो आज का जो टॉपिक है, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका नाम है अंकोरवेट, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, कंबोडिया। कंबोडिया काम करो, वीडियो को पोस्ट करो, चेक करो पहले गूगल पे जाकर कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा साउथ ईस्ट एशियन नेशन में आता है। और जो ये अंकोरवेट है, ये जो प्राइमरी डाइटी है, ये विष्णु भगवान जी के लिए है, और ये स्टार्ट हुआ था 12th century में इसको बनाना। क्लियर। अगर हम बात करें कि नाम कहाँ से आया है अंकोरवेट, एक्चुअली अंकोरवेट जो निकला है बना है नोकरवेट से। नोकर का मतलब होता है सिटी या फिर सिटी ऑफ टेम्पल, और जो वट का मतलब होता है, इट इज़ इन फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज और पाली लैंग्वेज, तो वट का मतलब होता है टेम्पल ग्राउंड। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर कंबोडिया के अंदर संस्कृत और पाली, देखो संस्कृत लैंग्वेज क्या है, आप समझो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संस्कृत एंड पाली। संस्कृत लैंग्वेज बोली जाती थी द लैंग्वेज ऑफ एलीट पीपल, मतलब बहुत ही समझदार लोगों की, इंटेलेक्चुअल लोगों की लैंग्वेज बोली जाती थी, क्योंकि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। साथ ही साथ जो पाली लैंग्वेज थी, पाली लैंग्वेज क्या थी, आम जनता की लैंग्वेज हुआ करती थी, जैसे आपस में लोग कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, तो पाली लैंग्वेज को प्रमोट किया गया बुद्धिज्म के द्वारा,
ठीक है, और संस्कृत, तो दोनों के अंदर काफी सिमिलरिटी देखने को मिलेंगी। जो वर्ड्स हैं जैसे हिंदी संस्कृत, कई सारे वर्ड्स आपको कॉमन मिलेंगे, रूट्स आपके अल्टीमेटली संस्कृत क्या है, इट्स अ मदर ऑफ द हिंद, है ना, हिंदी, तो आपको कई सारे वर्ड्स कॉमन मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पर ये चीज वर्ड निकल के आया है। अगर हम बात करें तो अंकोर वर्ड या टेम्पल ऑफ सिटी इज अ टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन नॉर्थ वेस्ट कंबोडिया, अ नेशनल सिंबल एंड अ सेक्रेड साइट ऑफ द कंबोडियन बुद्धिज्म। द कॉम्प्लेक्स इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये बुद्धिज्म का, कंबोडियन बुद्धिज्म का अच्छा खासा एग्जाम्पल है। तो आपको कई सारी चीजें ऐसे देखने को मिलेंगी जो हिंदू टेम्पल में देखने को मिलती हैं, और कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी इसको कन्वर्ट कर दिया गया है बुद्धिस्ट टेम्पल, तो दोनों कल्मिनेशन है। सो प्रेजेंटली ये बुद्धिज्म यहाँ फॉलो किया जाता है, लेकिन आज से कई हजार साल पहले, कई हजार नहीं कहते, 1000 साल पहले के आसपास की बात होगी, तो उस टाइम पर यहाँ पर हिंदुज्म फॉलो किया जाता था। सो अंकोर वट इज द लार्जेस्ट रिलीजियस कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड बाय लैंड। अगर आप जमीन की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, तो ये लार्जेस्ट रिलीजियस कॉम्प्लेक्स है जो कि 162 हेक्टेयर में है। और अगर आप बात करें कि दुनिया की सबसे छोटी जो कंट्री है उसका नाम क्या है, वेटिकन सिटी, उसका भी 3 गुना है। सो इट इज मोर देन 3 टाइम्स। टेम्पल वॉज बिल्ट इन अर्ली 12th सेंचुरी एट द बेहेस्ट ऑफ द सूर्यवर्मन 2। तो सूर्यवर्मन जो सेकंड थे उन्होंने बनवाया, और ये डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उसका नाम था खमेर एम्पायर। सो खमेर एम्पायर उनको रिप्रेजेंट करते थे। सो ओरिजिनली डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड विष्णु, इट वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिस्ट टेम्पल टुवर्ड द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी। तो जैसे हमने बात किया, आज से करीब 800 साल पहले ये टेम्पल चेंज कर दिया गया था। ठीक है, सो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, देखो जितने भी टेम्पल्स बनाए जाते हैं हिंदू टेम्पल, उनकी जो डायरेक्शन होती है, जो उनका फेस होता है, हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होता है। मतलब अगर मैं आपको हल्का सा चीज़ बताऊँ, सो दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। जो टेम्पल होगा उसका जो मेन गेट होगा इस साइड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ सनराइज होता है, तो फर्स्ट जो रेज होती हैं हमारे टेम्पल में पड़नी चाहिए, इसके पीछे रीजन दिया जाता है। लेकिन अनलाइक मोस्ट अंकोरियन टेम्पल, अंकोर जो वर्ड है इज ओरिएंटेड टू द वेस्ट, तो लेकिन इसका जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है। द ओरिजिनल नेम ऑफ द टेम्पल वॉज विराह विष्णु लोक। अगर हम बात करें इनका ओरिजिनल नाम क्या था, उसका नाम था विराह विष्णु लोक, या फिर परम विष्णु लोक बुलाया जाता था। इसका मतलब है द सेक्रेड ड्वेलिंग ऑफ विष्णु, विष्णु जी जहाँ रहते हैं उनको बोला जाता था परम विष्णु लोक। ठीक है, और ये जो है, जो अंकोर वेट है, ये एक्चुअली कंबोडिया के फ्लैग पर भी देखने को मिलता है, एंड इट इज़ अ ओनली वन कंट्री जहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी कोई भी नेशनल मोन्यूमेंट को अपने फ्लैग पर नहीं डाला हुआ। एक कंट्री और हुआ करता था, इट वॉज द अफगानिस्तान, लेकिन वो रिसेंटली चेंज कर दिया गया। ठीक है, सो इट इज़ ओनली द वन कंट्री। अब बात आती है कि कंस्ट्रक्ट कैसे किया गया, तो कुछ मैथोलॉजिकल स्टोरीज भी हैं। जैसे ये बोला जाता है कि जो अंकोर वट है, सो अकॉर्डिंग टू द मिथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अंकोर वट वॉज ऑर्डर्ड बाई द इंदिरा टू सर्व एज ए पैलेस फॉर हिज सन प्रेचा कैर मेलिया। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि इंद्र ने, जो भगवान इंद्र थे, उन्होंने इसको बनाने के लिए ऑर्डर दिया अपने जो सन को, जहाँ पर उनका सन का नाम था प्रेचा कैर मेलवा। तो अब ये नाम तो डिफरेंट होंगे क्योंकि जो लोकल कल्चर भी चेंज करता है, जैसे महाभारत है, रामायण है, तो इंडिया की जो स्टोरी लाइन है कुछ डिफरेंट होगी। अगर आप कंबोडिया की जगह चेक करोगे, अगर आप सिंगापुर की जगह चेक करोगे, म्यांमार की करोगे, सो इट विल गेट सम वेरिएशंस। ठीक है, सो को कुछ और लोग जो थ्योरी क्या बोलती है, एक चाइनीज ट्रैवलर थे, उनका नाम था हु दगुन, सो इट इज द चाइनीज ट्रैवलर, उनके हिसाब से कि सम बिलीव दैट द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन अ सिंगल नाइट बाय द डिवाइन आर्किटेक्ट। तो कुछ लोग ये बोलते थे कि एक रात में पूरा का पूरा आर्किटेक्चर इसका बना दिया गया था। ठीक है, डिवाइन कोई दैवीय शक्ति के द्वारा। आपने ऐसी बहुत सारी फोटोग्राफ देखा होगा जिसका, ये टेम्पल का नाम क्या है, इसका नाम है तापोहम टेम्पल। ऐसी फोटोग्राफ देखी होंगी, पूरा टेम्पल है और पूरा जो वट वृक्ष है उसने पूरा कवर कर रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि इट वॉज अ डिफेंडर और द डिस्ट्रॉयर, कि इसने इसको डिफेंड किया है या फिर उसको सच में डिस्ट्रॉय किया है। सो यहाँ पर भी आपके ऊपर है, आप कैसा लेना चाहते हैं। सो एक्चुअली क्या था कि आफ्टर सेवरल इन्वेजन, जो सूर्यवर्मन जो सेकंड थे उनके बाद जो उनका किंगडम था काफ़ी डिक्लाइन करने लगा। तो वहां से क्या होगा, जब किंगडम डिक्लाइन करेगा सो फॉरन इन्वेजन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इंडिया के जो मुगल एम्पायर था उसका नाम क्या था, लास्ट मुगल एम्पायर का बहादुर शाह जफर, काफ़ी कमजोर राजा था, उसके बाद देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ठीक है, तो जैसे ही एक एम्पायर डिक्लाइन करता है तो उसको जो जो गैप होता है उसको फिल करने के लिए दूसरी कंट्री आ जाती है। और ये कंट्री की बात नहीं है, एक एम्पायर की बात नहीं है, हर जगह से देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट सिनेरियो की आप चेक करेंगे, सो यूएसए थोड़ा सा वीक हो रहा है, और वीक
जो यूएसए वीक हो रहा है उसको कवरअप करने के लिए रशिया और चाइना निकल कर आ रहे हैं, मोरली दे चाइना, ठीक है, ये हमेशा ऐसा होता हुआ आया है। सो जो यहाँ पर सेवरल इन्वेजन हुए क्योंकि वीकनिंग होने के बाद ऑफ द खैमर एम्पायर, और अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा इसको खाली छोड़ दिया गया, बंद हो गया, यहाँ पर कोई प्रे नहीं करता था, तो पूरा का पूरा जो ये टेम्पल था उसको जंगल ने कवर अप कर लिया। अब आपके ऊपर है, आप उसको डिफेंडर मानेंगे डिस्ट्रॉयर मानेंगे, क्योंकि एक तरह से खत्म भी कराया और उसको बचा के भी रखा है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका होता। ठीक है, आपको ऐसी फोटोग्राफ्स देखने को मिल जाएंगी, अगर आप शायद नेट पर चेक भी करते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट दिस काइंड ऑफ द वीडियोस, और देखी भी होंगी आपने। तो ये कौन सा टेम्पल है आपको पता होना चाहिए, ता प्रोहम टेम्पल, साथ में आया था बैन टेम्पल। तो बैन टेम्पल क्या था कि यहाँ पर 216 बुद्ध स्टेचूज देखने को मिलेंगे। सो द हिस्ट्री ऑफ द एंकोर वॉज चेंज बाय दिस मूव, क्योंकि जो वहाँ का स्टेट रिलीजन था इट वॉज कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदुज्म टू द बुद्धिज्म, और उसके बाद से हिंदुज्म इज नाउ अ माइनॉरिटी रिलीजन। अगर हम बात करें कंबोडिया की, सो मोर देन 97% ऑफ द पॉपुलेशन फॉलोज बुद्धिज्म। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, फुली प्रिपेयर करना चाहते हैं 2022 के लिए नाटा और जेई, तो यू कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स। मोबाइल नंबर आपको नीचे आ रहा होगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आर्क जेनेसिस ऐप, बहुत सारे आपको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, सो आई थिंक जस्ट 2 दिन की डेट और है, अदरवाइज जो प्राइसेस हैं बढ़ जाएंगे। सो अगर आप चाहते हैं तो आपको संडे तक आप उसको एनरोल कर सकते हैं। आवर क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम द 1st ऑफ मार्च। अगर हम फैक्ट के बारे में बात करें, एंकोर वट वॉज बिल्ट विदाउट द एड ऑफ एनी मशीनरी, क्योंकि जब बना था ये 802 से लेकर 12वीं शताब्दी में बना था, तो आप समझ सकते हो उस टाइम पीरियड के अंदर ऐसा मैकेनाइजेशन, इवन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1773, तो इस मंदिर के बनने के 500 साल के बाद तो मशीनरी स्टार्ट हुई थी। तो इतने बड़े लेवल पर बनाना इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इट टुक 35 ईयर्स टू बिल्ड विद द हेल्प ऑफ द एप्रोक्सीमेटली 1000 एलिफेंट इन एडिशन टू द 3 लाख लेबरर्स। तो आप समझ सकते हैं, अ ह्यूज 5 मिलियन टन ऑफ दिस सैंडस्टोन वॉज यूज टू बिल्ड द रिलीजियस साइट विच कवर्ड द एरिया ऑफ 208 हेक्टेयर। तो ये काफ़ी बड़ा हेक्टेयर लैंड है, तो काफ़ी टाइम लगा होगा। द मोन्यूमेंट वॉज मेड आउट ऑफ द 5 to 10 बिलियन सैंडस्टोन ब्रिक विद ए मैक्सिमम वेट ऑफ 1.5 टन ईच, और ये इतना ज़्यादा है कि जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं उनको सब कंबाइन भी कर लोगे तब भी कम पड़ जाएगा। सो द एंटायर सिटी ऑफ द एंकोर यूज फॉर द ग्रेटर अमाउंट ऑफ द स्टोन दैट ऑल द इजिप्शियन पिरामिड कंबाइंड एंड ऑक्यूपाइड एन एरिया सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन द मॉडर्न डे पेरिस। तो इतना बड़ा है ये इस एरिया वाइज। अगर हम बात करें कंबोडिया के आर्किटेक्चर की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि 95% जो पॉपुलेशन है, इट इज नॉट 95, जो मैं लेटेस्ट चेक किया था इट वॉज 97%। तो लेकिन मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट है। 9th to 14th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है उसको बोला जाता है गोल्डन पीरियड, तभी आप देखेंगे जो मेजर टेम्पल्स हैं, मेजर जो वहाँ आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था खैमर एम्पायर के टाइम पीरियड में यही था। और फिक्स उसके बाद ही 14, 15, 16 के बाद 16 to 19 जो टाइम पीरियड है उसको बोला जाता है डार्क एज ऑफ द कंबोडिया। यहाँ पर आपको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगी इन एंशियंट आर्किटेक्चर, मतलब जो गरीब लोग हैं वहाँ पर बैम्बू के हाउस यूज़ करते थे, और जो रिच लोग हैं वो नॉर्मली वुड के यूज़ करते थे। ड्यूरिंग अंकोर टाइम ओनली टेम्पल्स एंड रिलीजियस बिल्डिंग वर मेड ऑफ द स्टोन, और आपको सिर्फ टेम्पल और रिलीजियस बिल्डिंग, मतलब जो स्टेट रिलेटेड बिल्डिंग्स होती थी वही आपको स्टोन में देखने को मिलेंगे, अदरवाइज आपको वुड और बैम्बू के ही आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मोटिव्स ऑफ अप्सरा एंड देवदास देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल अप्सरा की फोटोग्राफ। ब्लाइंड डोर्स देखने को मिलते हैं, अंधे दरवाजे, होता क्या है ब्लाइंड डोर्स, बात करेंगे, दिखाऊंगा अभी आपको मैं। देखो ऐसे होते हैं ब्लाइंड डोर्स, मतलब देख कैसा लगेगा आपको कि यहां पर एक डोर है, लेकिन ये क्या है, सिर्फ एक कार्विंग की गई है, सो दिस इज नॉट एक्चुअली अ डोर। अब बात ही आती है कि जब डोर बनाना ही नहीं है तो फिर बनाया क्यों, लाइक उसका यूज नहीं है, जस्ट टू मेंटेन द सिमेट्री और टू गिव द एस्थेटिक लुक, दिखाने के लिए कि अगर मान लो आप एक सिमेट्री मेंटेन करनी है तो मेरा एक डोर यहाँ पर है, सो हाउ विल आई मेंटेन द सिमेट्री, कुछ नहीं करूँगा मैं, यहाँ पर भी इस साइड भी ब्लाइंड डोर लगा दूंगा। सो देखने में तो लगेगा ब्लाइंड की डोर है, बट इन रियलिटी इट इज़ क्लोज, सो ओनली वन डोर इज अलाउड, लेकिन बाकी यहाँ पर आपको ब्लाइंड डोर देखने को मिल जाएंगे। टिम्बर्स यूज किया जाता था डेल्टा रीजन के अंदर, आपको शायद पता होना होगा कि लाइक पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है कि टिम्बर और वुड में डिफरेंस क्या है, लाइक वी इंटरचेंजली यूज दिस वर्ड, लेकिन एक आर्किटेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वुड और टिम्बर में डिफरेंस क्या है। ठीक है,
सो लेटराइट, टेराकोटा, सैंडस्टोन इन हिंटरलैंड। तो कोस्टल रीजन के अंदर तो आपको जो मिलेगा यहाँ पर, वहाँ पर मिलेगा बैम्बू, क्योंकि यहाँ पर कोस्टल रीजन है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बैम्बू आर्किटेक्चर को प्रमोट करेगा, बैम्बू इन्वायरमेंट ऐसा कुछ होगा। और जो हिंटरलैंड होता है अंदर वाला, वहाँ पर टेराकोटा, लेटराइट या फिर सैंडस्टोन देखने को मिलेगा। जो यहाँ का आर्किटेक्चर है, गैलरीज, गोपुरा, जैसे हमने बात की थी कि इन स्टार्टिंग बुद्धिज्म जो आया उससे पहले क्या था, इट वॉज द हिंदू रिलिज्म, जो हिंदुज़म काफ़ी प्रोमिनेंट फीचर हुआ करता था। तो आपको ऐसे हिंदू हिंदू आर्किटेक्चर के बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लाइक गोपुरा, अप्सरा, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि जो कंबोडन आर्किटेक्चर है, सो दे इंट्रोड्यूस कोरबेल आर्च। आर्च क्या होता है, मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था, आर्किटेक्चर वोकेबुलरी सीरीज है, तो वहाँ पर जाकर देख लेना, उसकी एक वीडियो और आने वाली है जो आर्च के ऊपर कवर करेगी। सो कॉर्बल आर्च कंसिस्ट ऑफ द टू अपोजिंग सेट्स ऑफ द ओवरलैपिंग कॉर्बल, ऐसा देखने को लगता है। ये ऐसा कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये कैसे, इसको बोलते हैं कॉर्बल आर्च। इसका सिंपल तरीका क्या है कि आप धीमे धीमे एक ब्रिक को आगे लेकर चले जाते हो, और जैसे आप मूव करते हो, अल्टीमेटली आप पूरा आर्च बन जाता है। सो द कॉर्बल आर्च कंसिस्ट ऑफ द टू अपोजिट साइड्स ऑफ द ओवरलैपिंग कॉर्बल रिजेंबलिंग इन्वर्टेड स्टेयरकेस। ठीक है, ऐसा लगेगा कि जो स्टेयरकेस है उल्टी है स्टेयरकेस, विच मीट्स एट अ पीक एंड क्रिएट ए स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट वेट फ्रॉम द ऑल, और जो ऊपर का जो वेट है उसको ये पूरा का पूरा लोड ले लेगा। बेबीलोनियन आर्किटेक्चर में भी हमें ये सब देखने को मिलती है, लेकिन वो कंबोडियन आर्किटेक्चर में भी यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलेगी। सो जैसे हमने बात की थी, आपको देखो नॉर्थ गोपुरा, ईस्ट गोपुरा, साउथ गोपुरा, वेस्ट गोपुरा, यहाँ से एंट्री है इसकी। सो ये थोड़ा डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंस है, ठीक है, और आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आने वाली है इस इमेज के ऊपर। आई थिंक आप नाम समझ गए होंगे कि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाली है वीडियो, जिसके अंदर हम चाइना का आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो, शेयर करो उनको, एटलीस्ट हो सकता है कि उनको इसी पता ना हो और कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा कर जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम।